नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश सैम। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा आईफोन एक्स के अंदर ऑडियो आईसी की फॉल्ट के बारे में। जैसे कि आपका कॉल आप नहीं लगाते, लाउड स्पीकर नहीं होता है, या आप रिकॉर्डिंग नॉर्मली कर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास आईफोन एक्स का मदरबोर्ड है ये। और इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें कॉलिंग हम कर रहे हैं तो इसमें स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है और लाउड स्पीकर का ऑप्शन ही हाइड है। और अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो के अंदर भी वॉइस नहीं आ रही, और रिकॉर्डिंग जो होता है, रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर रहे हैं तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही हाइड हो रहा है। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम आए तो स्पीकर रिंगर वगैरह चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। ये होता है ऑडियो आईसी का फॉल्ट, और इस फॉल्ट को आप बिना आईसी चेंज किए कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको। और बिना किसी प्रोफेशनल टूल के मैं बेसिक टूल से ही आपको ये फॉल्ट को दूर करके बताऊंगा कैसे करना है। बट इसमें थोड़ी सी आपको सेफ्टी यूज करना है, और आपको प्रोफेशनल टूल या इसका जो अलग से पूरा टूल किट आता है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपना सेपरेटर को ही यूज कर सकते हैं, मतलब लोसी बोर्ड को, क्योंकि आईफोन एक्स के अंदर जो लोसी बोर्ड लगा, डबल बोर्ड लगा हुआ है, उसको हमें उतारने के लिए, उसको हम SMD से नहीं उतार सकते। SMD से हम अगर हीट करके उतारते हैं, ऊपर वाले ही बोर्ड के जो सीट है इसी में आपका मेन CPU, सारे प्रोग्राम वाली IC, क्वालकॉम वगैरह सब कुछ ऊपर वाले ही बोर्ड में होता है, मेन चिप होता है। तो हीट करके हम उतारेंगे तो इसमें डेड का मतलब 80% रिस्क होता है। तो हीट करके नहीं उतार गए हम नॉर्मली, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने 200 पे रखा है और इसको नॉर्मली मैंने हीट इसको 2-3 मिनट तक किया है मैंने। और देखिए बोर्ड को हल्का हल्का हिलाते रहिए, और देखिए जैसे पूरा नॉर्मल हिल जाएगा तो आप इस ऐसे आराम से को इसको उतार सकते हैं। देखिए मैंने दोनों बोर्ड को अलग अलग कर दिया। फर्स्ट जो बोर्ड है इसमें देखिए, इसमें CPU वगैरह सब कुछ लगा है, और सेकेंडरी जो बोर्ड होता है उसके अंदर हमारा क्वालकॉम होता है, जैसे कि नेटवर्क सेक्शन सारे होते हैं, वाईफाई, फिर आपका मॉडम वगैरह जो भी, अगर वैसे एरर कोई भी आता है तो सारे फॉल्ट इस वाले बोर्ड से आते हैं। इस वाले बोर्ड में सारे नेटवर्क सेक्शन, वाईफाई, IC सारी टोटल होती हैं। तो ऐसी कोई फॉल्ट हो तो इस वाले बोर्ड पे हमें काम करना है, अदरवाइज मैक्सिमम सारे जो मेन IC हैं वो दूसरे वाले ऊपर वाले बोर्ड में हैं। तो ऊपर वाले बोर्ड को काफ़ी सेफ उतारना है हमें, और उतारते टाइम ध्यान देना है थोड़ा सा कि पूरा नॉर्मल जब मेल्ट हो जाए जब ही बोर्ड को उठाना है, वरना जल्दी में ये आप देख रहे हैं ट्रैक, ये ट्रैक टूट सकते हैं, तो ध्यान से करें। तो जैसे कि हमने उतार लिया, अब इसको क्लीन कर लेंगे रिसोल्ड वायर से, या वैसे नॉर्मल हम इसको क्लीन कर लेंगे जो एक्स्ट्रा सोल्डर्स हैं, एंड देन इसको क्लीन करके हम देख लेंगे कोई ट्रैक टूटा तो नहीं है वगैरह, कोई मिस नहीं है, ये चीज़ें देख लेंगे हम। दोस्तों मैं आपको फिर से दोबारा रिमाइंड करा दूं, इसको उतारने से पहले आपको सेपरेटर जो होता है हमारा, ग्लास चेंज करने वाली मशीन जो होती है हमारी, ग्लास काटने के लिए, वो सेपरेटर को आपको खाली 200 से ज़्यादा नहीं रखना है। 200 ज़्यादा रखोगे आप तो आपका बोर्ड डेड भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हीट नहीं देना हमें, 200 मस्टली। और आपका जो ये काम है, प्रोसेस है, खाली 1-2.5 से 3 मिनट ही रखना है उस पर। उसके बाद इसको नॉर्मल आप बोर्ड को चेक करते रहिए कि बोर्ड में जो शोल्डर से वो मेल्ट हुआ कि नहीं, अगर थोड़ा आपको मेल्ट लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा हिला के उसको चेक कर लेंगे। अगर आपका लगे कि मेल्ट हो चुका है तो आराम से बोर्ड को एक साइड से आप उठाइए, क्योंकि इसमें जो ये ट्रैक बने हुए, एक भी ट्रैक टूट गया तो बहुत मुश्किल है, फिर जंपर करना पड़ेगा आपको, मेहनत डबल हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान दें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको दोनों बोर्डों को क्लीन कर दिया अच्छे से, एंड देन दोस्तों अब हमें, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है हमारी ऑडियो आईसी की, ये कहाँ से है, आईसी कौन सी है, सर्किट में क्या क्या लगे हुए हैं, अगर उस सर्किट में कोई दिक्कत है तो कैसे हम ठीक करें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि जल्दीबाजी में हम थोड़ी वीडियो देख के वीडियो को काट देते तो हमें समझ में नहीं आता है आगे क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ही देखें। देखिए दोनों, हमारा बोर्ड हो चुका है क्लीन,
मैं आपको सर्किट डायग्राम से, ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम। इस वाला चिप हमारा जो नीचे का चिप है, ये चिप है हमारा, ये मेन जो चिप सीपीयू वाली चिप है, ऊपर का चिप है जो है, ये ऊपर का लोसी बोर्ड है। और ये हमारी जो है, ये है ऑडियो आईसी। अब ये वर्क कैसे करती है ये भी मैं आपको बता दूँ, इसका ट्रैक कैसे कैसे है ये देखिए सिस्टमेटिक डायग्राम से। रिंगर ड्राइवर, जो ड्राइवर आईसी लगी है उसमें कौन सा कैपेसिटर, कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। आउटपुट इनपुट शॉर्टिंग की दिक्कत, ऐसे कोई भी दिक्कत हो ऑडियो से रिलेटेड, तो आप इस सर्किट डायग्राम के थ्रू आपको इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने आपको दिखा दूँ, ये जो हमारा इनपुट है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कई सारे कैपेसिटर लगे पड़े हैं। तो अगर शॉर्टिंग की दिक्कत है, जैसे कि आपकी ऑडियो आईसी उतार के आप चेक करो, तो ज़रूरत नहीं है अभी तो, क्योंकि इसमें तो दिक्कत ये गिरने से हुआ था। तो गिरने से क्या होता है, उसके जो बॉल होते हैं वो ड्राई और टूट जाते हैं, बीच से ब्रेक हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम चाहें तो उसको उतार कर रिवॉल्व करके भी आईसी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगाना है आपको तो पहले तो आप नॉर्मल हीट करके थोड़ा सा प्ले कर दीजिए, जैसे मैं आपको वही चीज़ इसमें बता रहा हूँ। ये हमारे सर्किट डायग्राम इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, नेक्स्ट टाइम पूरा बकायदा मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कहाँ कैपेसिटर, कहाँ पर रेजिस्टेंस, किस वैल्यू का लगा हुआ, टोटली इसमें ऑलमोस्ट सारा कुछ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए, हमारा बोर्ड का ये जो लोसी बोर्ड में जो हमारा लगा हुआ आईसी वो, और इसके अगल बगल लगे सर्किट। अब इसको हम आपको हीट करके दिखाएंगे, हीट को आपको एसएमडी में 340 से 45 पे रखना है, एयर को 4 से 4.5 के बीच में रखना है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, सबसे पहले आईसी वैसी छेड़ने से पहले आपको वहाँ चेक करना है उसके अगल बगल लगे कैपेसिटर, जो कि सर्किट डायग्राम में आपको दिखाया मैंने सिस्टमेटिक सर्किट डायग्राम में। तो वो चीज़ आपको सबसे पहले आपको साइड में लगे कैपेसिटर वगैरह सब कुछ चेक कर लेना हमें, कि फ़ोन शॉर्ट रिंगर के मतलब ऑडियो का ये सेक्शन में शॉर्टिंग तो नहीं है, तो शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। अगर हमारा वो सप्लाई सब ओके आता है, डिफ्लेक्शन ओके आता है, उस कंडीशन में हम आईसी को हीट करेंगे। और हीट करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है सेफ्टी, क्योंकि आप जब तक सेफ्टी नहीं रखोगे तो फ़ोन कई दफ़ा हम जज्बा जल्दीबाजी में आके और बिना कवर किए आईसी दूसरी को हम कर तो देते प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें, सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ध्यान से कोई भी आईसी को आप अगर रिवॉल्व कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके दूसरी बगल वाली आईसी को अच्छे से कवर कर दें, कि वो आईसी हीट ना हो, कि डैमेज ना हो। क्योंकि हम जिसको उतारना हो उससे तो हम हीट करते हैं, लेकिन एयर का मात्रा ज़्यादा कई दफ़ा हो जाता है तो साइड में लगे जो आईसी उन पे हीट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो फ़ोन की प्रॉब्लम आप जो कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कोई और दिक्कत आ जाए। तो आप ज़्यादातर सेफ्टी का तो ध्यान रखिए, पूरा अच्छे से जिसको उतारना है जिस आईसी को उसी को आप रखिए, बाकी को अच्छे से ढक दीजिए सिल्वर टेप से या स्टील से या कॉइन से, जैसे आपको बेस्ट लगे वैसे। पेस्ट को मैं पहले मेल्ट कर लिया मैंने, अब इसको मैं कवर कर लेता हूँ अच्छे से, कि हमारी सीपीयू और लाइट आईसी वगैरह कहीं पे भी हिट ना लगे। दोस्तों प्रॉपर हीट होने दें, जल्दबाजी ना करें,
इसको नॉर्मली आपको हीट करना है। टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है, एयर का ध्यान रखना है, एयर 4-4.5 के बीच में होना चाहिए। और आपका जो हीटर है वो आपका हीटिंग 3.5 से 45 तक ही रखना है, 345 या 350 तक। और हमें हल्का हल्का चेक कर लेना है कि हमारी आईसी मेल्ट हो रही कि नहीं, बार बार हम ट्राई करते रहेंगे। और एसएमडी को एक जगह हीट नहीं मारना, आपको घुमाते रहना है पूरे आईसी पे, पेस्ट डाल के पूरे अच्छे से। और धीरे से हमें हल्का सा प्ले कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने प्ले कर दिया, आप देख पा रहे हैं मैंने हल्का सा हिला दिया आईसी को, यानी कि नीचे के जो पॉइंट कनेक्ट नहीं हुए होंगे, बीच में से कहीं से क्रैक हुए होंगे, तो प्रॉपर वो कनेक्ट हो जाएंगे। ध्यान देना है आपको ज़्यादा नहीं हिलाना है, माइनर सा प्ले करना, मतलब थोड़ा सा ही कि आईसी अपनी जगह पे ही हो और थोड़ा हिल जाए, कि नीचे जो नहीं जो कनेक्ट हो पा रहे हैं ट्रैक वो भी कनेक्ट हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे 5 से 7 मिनट तक। तो मैंने तो फ़ैन लगा रखा है दोस्तों, तो मेरा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। आप कम से कम वेट कर लीजिएगा 3-3.5 या 4 मिनट तो वेट कर लीजिएगा कि बोर्ड आपका अच्छे से ठंडा हो जाए। एंड देन इसको हम, आपको पता है बिना रिवॉल्विंग का तो ये लगेगा नहीं। तो दोस्तों आपको स्टेंसिल तो ऑलमोस्ट ख़रीदना ही पड़ेगा, तो आप स्टेंसिल का यूज करो। और रिवॉल्विंग के बारे में अगर आपको सीखना, अगर आपको रिवॉल्विंग नहीं आती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी दूसरी वीडियो डाल दूँगा, जिसमें आप 2 मिनट के अंदर कोई भी आईसी हो या बोर्ड हो उसको रिवॉल्व आप कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप जाके डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं। जैसे कि हमारा ये रिवॉल्व हो गया, दूसरे वाले बोर्ड पे हम थोड़ा सा अब लगा देंगे पेस्ट अच्छे से प्रॉपर। थोड़ा सा लगाना, में जाना नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा ही लगाना, माइनर से ही लगा के, इससे क्या होगा थोड़ा सा मेल्ट होके अच्छे से कनेक्ट होगा और थोड़ी बेस्ट क्वालिटी से, मतलब कनेक्टिविटी बन जाएगी, स्पार्किंग के चांसेस बहुत कम रियल हो जाएंगे। अब इसको बोर्ड को हम अच्छे से सेट कर देंगे, प्रॉपर सारे ट्रैक मैच होके हर चीज़ पूरा सेक्शन अच्छे से कनेक्ट हो जाए। देखिए हो गया। अब SMD को, सॉरी, आपको सेपरेटर ऑन कर लेना है। सेपरेटर का वही ध्यान रहे 200 प्लस ना हो, आप चाहें तो 180 या 90 भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ऑन किया, अभी सेपरेटर हमारा 38 है, तो हमें वेट थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं थोड़ी वीडियो को स्किप कर दिया मैंने। और बोर्ड को आपको रखना पड़ेगा 1 से 1.5 मिनट के बाद, आपको चेक करना है कि हमारा बोर्ड थोड़ा बहुत हीट हुआ कि नहीं प्रॉपर। तो आप थोड़ा थोड़ा टच कर करके चेक करते रहिए, और आप देखेंगे जो हमने पेस्ट डाला है ना, उससे क्या होगा कि इसमें से धुआं उठेगा, तो हमें पता लगेगा कि हाँ कि बोर्ड ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। और देखिए जैसे कि हमारा ये 178-179 के समथिंग हो चुका है हीटर हीटिंग। तो अब इसको हम ट्राई कर लेंगे, प्ले करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा हर जगह से, हर चारों तरफ से, कि हमारा जो नीचे का ट्रैक है ऊपर बोर्ड से कनेक्ट हो जाए। हम हर सेक्शन से थोड़ा थोड़ा इसको प्ले करते रहेंगे। ध्यान देना है आपको बोर्ड हिले ना, बोर्ड ना हिले, इसके लिए आपको और कहीं नहीं प्रेस करना है, ओनली सिम ट्रे का जो जैक लगा हुआ है वहीं पे ही आपको प्रेस करना है, क्योंकि वहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है, आप बिंदास वहाँ से पे टच कर सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर प्रेस करना है बोर्ड को, तो आप ट्वीज़र की सहायता से या कुछ भी आपको जैसे बेस्ट लगे उस चीज़ का यूज करके वहाँ पे आपको दबा कर रखना है थोड़ा सा, और आपको वेट करना है, थोड़ा इंतज़ार करना है 2.5-3 मिनट का 4 मिनट का, कि हमारा बोर्ड अच्छे से पूरा मेल्ट होके कनेक्ट हो जाए दूसरे बोर्ड के साथ। जल्दीबाजी नहीं करना इसमें, क्योंकि आपको दोबारा मेहनत करना पड़े, इससे अच्छा वन टाइम में ही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और दूसरी चीज़ इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कि जैसे आप सोच रहे होंगे कि ये फ़ोन हम इतना हीट कर रहे हैं तो डैड हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने सिस्टम 200 तक जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल हीट होके ये प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई आईसी डैमेज नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना कि बोर्ड को ज़्यादा हिले ना, और गलती से कहीं ट्वीज़र इधर उधर ना जाए, क्योंकि ये सब मेल्ट होंगे तो हिल जाएंगे, तो ट्रैक आपको पता है कि इधर उधर हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है।
तो दोस्तों जैसे कि हमारा 2.5-3 मिनट हो चुके हैं, अब हम प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देखिए हमारा हो चुका है प्रॉपर तरीके से, बढ़िया से अच्छे से पकड़ लें आप। अब इसे हम रख देंगे, इसको ठंडा होने देंगे कम से 2.5 से 3 मिनट या 4 मिनट तक, इसको ठंडा होने दें अच्छे से बोर्ड को। दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि आपका खाली ऑडियो आईसी का, इसमें तमाम कोई भी फॉल्ट है ना, तो आपको ऑलमोस्ट ये काम करना पड़ेगा, बोर्ड लोसी बोर्ड को उतारना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो देखिए दोस्तों आपको परफेक्टली करना पड़ेगा। आप चाहें तो प्रोफेशनल टूल ले लीजिए, बेस्ट रहेगा। नहीं लेना तो आपको तरीके तो देखो, जुगाड़ पे दुनिया है तो फिर जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इंस्टेंसिल तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रिवॉल्विंग के इसके बॉल कनेक्ट नहीं होंगे। तो इंस्टेंसिल तो ऑलमोस्ट आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज़, कुछ चीज़ें आप नहीं ले सकते, लेकिन कुछ ऐसी नीड होती है जिनके बिना होगा ही नहीं, तो स्टेंसिल आप ले लीजिए। तो आईफोन के एक्स का कोई भी फॉल्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो लाइट का हो, चाहे वो नेटवर्क का हो, चाहे मॉडम का हो, चाहे वॉट एवर कुछ भी, कोई भी चार्जिंग चूजिंग कोई भी फॉल्ट हो आप कर सकते हैं। और दोस्तों अभी आने वाले समय में आपको मैक्सिमम सारे बोर्ड ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि आजकल नैनोमीटर जितना कम कर रहे हैं उतनी बैटरी कैपेसिटी बढ़ेगा और आपका फ़ोन का स्पीड बढ़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें, आपको प्रोफेशनल बनना ही पड़ेगा, नॉर्मल काम से आपका काम नहीं चलना आगे, तो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। हाथ जितना हो सके आप पुराने बोर्डों पर ट्राई करें और प्रैक्टिकल करें ज़्यादातर। तो हम इसको अच्छे से पैक कर लेते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और सजेस्ट करें कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। आप जिस पे कहेंगे उस टाइप की मैं वीडियो बना दूंगा, कोई भी फॉल्ट हो, कोई भी फ़ोन हो, एनी एंड्रॉयड हो या एप्पल हो, सारे मॉडल्स कोई भी हो, मैं आपको फॉल्ट सारे बता सकता हूँ। तो दोस्तों आप कमेंट में मुझे बताएं अगर कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम हो। व्हाट्सएप में नंबर भी मैंने डाल रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट चैट करके बात कर सकते हैं। तो हमारा बोर्ड हो चुका है पैक, अब इसके डिस्प्ले और टच का पत्ता हम लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों फ़ोन तो हमारा चालू हो गया, अब देखते हैं हमारा फॉल्ट जो था ऑडियो का वो सॉल्व हुआ कि नहीं। इसमें हम सिम लगा लेंगे पहले तो, क्योंकि हमें कॉल करके ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। हम लगा लेते हैं सिम और अब हम चेक करते हैं कि हमारा ऑडियो का जो फॉल्ट था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ये हो गया फ़ोन ऑन हमारा, ये डाला हमने पासवर्ड। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों ये जो हाइड ऑप्शन है हमारा ओपन हो गया है, और इसमें देखिए रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, देख पा रहे होंगे आप रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रहा है। अब हम कॉल चेक कर लेते हैं, कॉल पे लाउड स्पीकर हाइड हो रहा है या शो कर रहा है। देखिए दोस्तों ये भी शो कर रहा है, यानी कि हमारा प्रॉब्लम हो चुका है सॉल्व। तो दोस्तों वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, धन्यवाद।